जो रण में बाघ के हाथों पे आ गए अश्वर, जो रण में बाघ के हाथों पे आ गए अश्वर, पलक झपकते ही फौजों पे छा गए अश्वर, जो रण में बाघ के हाथों पे आ गए अश्वर, पलक झपकते ही फौजों पे छा गए अश्वर। नया भाई, पलक झपकते ही फौजों पे छा गए अश्वर। और ये दो मिसरा जनाब आदम से लेके इमाम हुसैन तक की पूरी तारीख जहन में रख के सुनिएगा कि पलक झपकते ही फौजों पे छा गए अश्वर। ये नए नवा है, यहाँ जो भी आया रोया है। ये नए नवा है, यहाँ जो भी आया रोया है। अजीब बात है तुम मुस्कुरा गए अश्वर, अजीब बात है तुम मुस्कुरा गए अश्वर। अब मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम नाया भलौरी साहब से कि जो है आए और गौर गए मामले में। ये अंदाज़ा हो ही गया, वरना शादाब भाई के अशआर समझना कोई आसान काम नहीं है। आज बहुत अच्छे शेर सुनाया। मैं एक मतला और चार पांच, एक मतला चार शेर, पूरी अपनी उम्र शायरी में पहली बार मैंने शहजादी उम्मुल बनीन के लिए एक मनकबत लिखी है भाई, नाते भाई। और अक्सर होता ऐसा है कि हर शायर कम से कम एक या दो शेर तो ज़रूर शहज़ादी के लिए कहता है, लेकिन शहज़ादी उम्मुल बनीन के लिए मेरी नज़रों से कोई मुकम्मल कलाम नहीं गुज़रा। इसलिए मैंने कोशिश की है, और उसके बाद डॉक्टर साहब की फरमाइश है, एक बड़ी मुख्तसर सी नज़्म है नमाज और हुसैन में हाजिर कर। मतला देखें भाई, अहले नज़र तशरीफ़ फरमा है। थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग आगे आ जाएं तो शायद वो लोग जो पीछे हैं खड़े हुए हैं तो उन्हें से थोड़ा सा आगे आ जाइए। मतलब देखिए, अली जनाब क़िबला काबा अल्लामा मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब, सरकार शहजादी उम्मुल बनीन के लिए चलना चाहते। मतला देखेंगे ना, थोड़े देखिएगा, हाजिर कर रहा हूँ। अब्बास भाई सुजीत तौर, क्यों न हम तुझको कहें उम्मुल वफा उम्मुल बनी। तो जो चाहता हूँ अहले नज़र तशरीफ़ फरमा, देखिएगा खास तौर से हाजिर कर रहा हूँ भाई। अरे क्यों न हम तुझको कहें उम्मुल वफा उम्मुल बनी। तेरा बेटा है वफाओं का खुदा उम्मुल। तेरा बेटा है वफाओं का खुदा उम्मुल बनी। शेर देखिएगा, मेरी खुशनसीबी है कि अहले नज़र अहले इल्म तशरीफ़ फरमा है। हाजिर करो सरकार, देखिए शेर। सिर्फ सिर्फ हैदर की दुआ को पालना था इसलिए, तो सिर्फ हैदर की दुआ को पालना था इसलिए तूने
मांगी ही नहीं कोई दुआ, सिर्फ हैदर की दुआ को पालना था, इसलिए तूने मांगी ही नहीं कोई दुआ। मुल देखें सरकार खास तौर से ये फकत भाई बहन का कुवते बाजू नहीं, तो जो चाहता हूं मौला अब्बास के शहदाइयों की नजर, ये फकत भाई बहन का कुवते बाजू नहीं, तेरी गोदी में है आधी करबला। उम्मुल तेरी गोदी में है आधी करबला, उम्मुल बनी दो लकब और दोनों इकलौते अली के घर मिले, दो लकब और दोनों इकलौते अली के घर मिले, एक लकब उम्मो बिहा दूसरा उम्मुल बनी, उम्मो बिहा दूसरा उम्मुल बनी। मौला आपको और आपकी समातों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। शेर हाजिर कर रहा हूं कि घर में अब्दुल मुत्तलिब के था मोहम्मद का चचा, घर में अब्दुल मुत्तलिब के था मोहम्मद का चचा, और तेरे घर में है सकीना का चचा। उम्मुल तेरे घर में है सकीना का चचा, उम्मुल बनी। और ये शेर भी देखें, खुदा का शुक्र है, इन मजलिसों का सदका है, मजलिस हुसैन का सदका है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि शहजादी उम्मुल बनीन का लकब उम्मुल बनीन था। आपका नाम नामी इसमें गरामी फातिमा कलाबिया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिसों का सदका है कि हमारे बच्चे भी ये जानते हैं। एक शेर बनाने की कोशिश की है, देखिए कहाँ तक कामयाबी मिली है। हाजिर कर फातिमा के घर में आना था तुझे बनकर दुल्हन, तवज्जो चाहता हूँ, फातिमा के घर में आना था तुझे बनकर दुल्हन, इसलिए था नाम तेरा फातिमा। उम्मुल बनी ये
وقتہ حاضر خدمت ہے. یہ ہو دعا نایاب تو نایاب تاثیریں بھی ہوں, ہو دعا نایاب تو نایاب تاثیریں بھی ہوں. فاطمہ زہرا سے مانگو کہہ کے یا ام بہت بہت شکریہ آزاد, بہت بہت شکریہ. آخر میں ایک نظم ہے, انتہائی مختصر سی نظم ہے جس کا عنوان ہے نماز اور حسین. ایک زمانے سے ایک فضول بحث, اسے آپ فضول ہی کہیں گے, فضول بحث چلتی چلی آئی ہے کہ حسین افضل ہیں کہ نماز افضل ہے, نماز افضل ہے کہ حسین افضل. بڑا سینسٹیو ٹاپک, میرے جیسے طالب علم کے لیے پل صراط سے گزرنے کے معنی نماز اور حسین حاضر کر رہا ہوں. ایک بار درود پڑھ دیں محمد. بڑی مختصر سی نظم ہے, اس کے بعد آپ ہوں گے اور مولانا ڈاکٹر عباس نیر صاحب. یہ بات سن کے کشمکش میں ساری کائنات ہے, نماز اور حسین میں بلند کس کی ذات ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے بس نماز ہے بلند تر, کوئی یہ کہہ رہا ہے سجدے کر درے حسین پر, کوئی یہ کہہ رہا ہے مسجدیں نہیں تو ہم نہیں, کوئی یہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں اگر علم نہیں, کوئی یہ کہہ رہا ہے سجدے ہم کو بخشوائیں گے, کوئی یہ کہہ رہا ہے صرف عشق کام آئیں گے. سنی جو یہ عجیب گفتگو جگر تڑپ اٹھا, پھر اس کے بعد اپنے دل سے میں نے فیصلہ لکھا, نماز اور حسین میں بلند کس کی ذات ہے. اب یہاں سے دیکھیں, یہ بات بھی ہے سچ نماز مسجدوں کی شان ہے, تو یہ بھی سچ ہے سجدے حسین اس کی جان. دیکھیے گا اب یہاں سے, تو یہ بھی سچ ہے حسین اس کی جان ہے, یہ بات بھی ہے سچ نماز شمع کوہ طور ہے, تو یہ بھی سچ ہے وہ میرے حسین ہی کا نور. یہ بات بھی ہے سچ نماز کی بنا ہے مصطفیٰ, تو یہ بھی سچ ہے پشت پر رسول کی حسین تھا, تو یہ بھی سچ ہے پشت پر رسول کی حسین تھا. خدا 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 کے حکم سے نبی نے سجدہ طول ہی رکھا,
मेरा हुसैन जब तलक न पुष्ट से उतर गया, तो फिर ये कहने दो के दोनों पर खुदा को नाज है। नमाज ही हुसैन है, हुसैन ही नमाज। नमाज की बिना है मुस्तफा, तो ये भी सच है पुष्ट पर रसूल की हुसैन था। खुदा के हुक्म से नबी ने सजदा तूल ही रखा। मेरा हुसैन जब तलक न पुष्ट से उतर गया, तो फिर ये कहने दो के दोनों पर खुदा को नाज है। नमाज ही हुसैन है, हुसैन ही नमाज है। तो क्यों ये कश्मकश में आज सारी कायनात।